स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RMLAU यानी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के BEd के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो RMLAU के जो BEd के एग्ज़ाम्स थे वो बहुत दिन पहले निपट चुके हैं और BEd सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम थे वो 11 अक्टूबर तक समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, 11 अक्टूबर तक उनके जो एग्ज़ाम्स थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो समाप्त हो गए थे। अब बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें ये बताइए कि अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा और जो हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे वो 11 तारीख तक समाप्त हो गए थे। ठीक है, अब RMLAU रिज़ल्ट को कब जारी करेगा, तो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके लिए कवर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये जो एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो RMLAU के जो BEd सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम थे साथ ही साथ उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे वो दोनों निपट चुके हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो भी यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं कॉलेजेस के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है रिज़ल्ट की। तो जो आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 अक्टूबर तक जारी करने की संभावना है, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह ये है जो BEd का फाइनल ईयर का जो छात्र होता है सेकेंड ईयर का, वो BEd के बाद MEd में भी एडमिशन लेता है तो वहाँ पर उसको मार्कशीट की भी नीड होती है। तो ये बहुत सारी वजह हैं ऐसी मेन जिसके कारण BEd का जो रिज़ल्ट है RMLAU का वो 30 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है। एक या दो दिन इधर उधर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 30 ही तारीख को रिज़ल्ट को जारी किया जाए। 30 की जगह वो एक भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, मतलब 30 के आसपास ही RMLAU अपना BEd का जो रिज़ल्ट है वो जारी करेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय।